हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हम ही तो वो लोग थे, वो एक एक मुक्ति योद्धा, आज यहां मुक्ति योद्धा यहां बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने अपना रक्त बहाया। द इंडियन एग्रेशन डिड नॉट स्टॉप क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर। अ प्रॉक्सी टेरर आउटफिट द मुक्ति वाहिनी क्रिएटेड एंड ट्रेन बाय इंडियन मिलिट्री joined Indian soldier in crossing the border and engaging us in hostile action. And the basic task of Mukti Bahini was to compound the internal Pakistani chaos, feed political violence, and identify the targets to attack when the Indian army finally made a move. So, as a direct result of Mukti Bahini terrorism followed by Indian Army's invasion, Pakistan disintegrated from its eastern ring on 16 December 1971. और हमारी फौज, उन्होंने इतनी आसानी से सरेंडर क्यों कर दिया? मैदान-ए-जंग में तो हमारे हीरोज थे, हमारे जांबाज, हमारे सोल्जर्स, उन्होंने तो अपनी बहादुरी, शुजात और जुर्रत की आला तरीन मिसालें दी। वो जानते थे कि दुश्मन 10 गुना ज्यादा ताकतवर है और वो ये भी जानते थे कि हमारी सफों में गद्दार शामिल हो चुके हैं। वो फौज जिसके पास कोई सप्लाईज, आर्मर टैंक्स, आर्टिलरी या नेवल सपोर्ट मौजूद नहीं थी और उसे छोटे छोटे दस्तों में धकेला जा चुका था, फिर भी वो 8 महीने 2.5 लाख मुक्ति वाहिनी के दहशतगर्दों से लड़ती रही और कुर्बानियां देती रही। 16 दिसंबर 1971 की चोट हमें जरूर लगी है, शायद आज भी दुश्मन हमारे अंदरूनी मसाइल और हमारी कमजोरियों से फायदा उठाकर हमें फिर कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करे, क्योंकि आज भी हमारे दरमियान मुक्ति वाहिनी मौजूद है जो मुख्तलिफ शक्लों में हमारे वजूद को मिटाने के लिए गामजन है, और उनके पीछे भी वही ताकत है जो 71 में हमें 2 टुकड़ों में तकसीम कर चुकी है। लेकिन इस बार हम उन्हें जीतने नहीं देंगे, चाहे हमें जान की कुर्बानियां ही क्यों ना देनी पड़े, इस बार हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। कुर्बानियां देकर बनाया था ये वतन, और अगर इसे बचाने के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ी तो हम उसे दरेग नहीं करेंगे। क्यों देना चाहेंगे आप कुर्बानी? जो जो अपने वतन के लिए कुर्बानी देना चाहता है वो जल्दी से हाथ खड़ा करें। परेशान नहीं हो, बैठे रहे, कुछ नहीं होगा, पीछे आ जाओ, सब पीछे आ जाओ, उठो उठो, पीछे पीछे जाओ, सब बैठो, नीचे बैठो, खामोश हो जाओ मेरे बच्चों, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। उनमें से जन्नत की सैर कौन करेगा? नहीं नहीं, इन्हें छोड़ दो प्लीज, इन बच्चों को मैं अपने सामने भरसा हुआ नहीं देख सकती, प्लीज छोड़ दो इनको, छोड़ दो इनको, मुझे मार दो इनके बदले, छोड़ दो प्लीज। सबसे पहले तुम्हें ही जलाएंगे। मैं जलाऊं का ना? टीचर को जलते हुए कौन कौन देखेगा? कौन कौन देखेगा? यार हमारी टीचर तो शहीद हो चुकी है, अब हम सबकी भलाई भी इसी में है कि हम यही खामोशी से छुपे रहे।
वतन के लिए कुर्बानी कौन कौन देगा? हाथ खड़ा करें। वतन के लिए कुर्बानी कौन कौन देगा?